नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मुरादनगर के पाइपलाइन रोड पर स्थित हकीमपुरा में निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरी। दीवार का प्लास्टर करते समय हुआ हादसा। दीवार गिरने से मजदूर की मौत, दो घायल। शव को पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक मजदूर बिहार का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हकीमपुरा निवासी गुलफाम का बताया जा रहा है गोदाम। ठेकेदार नौशाद को पुलिस ने लिया हिरासत में। निर्माणाधीन गोदाम का ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू। कहाँ? शाहबुद्दीन हाजी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। कौन सा एड्रेस है ये? एड्रेस है हकीमपुरा। क्या हुआ था यहाँ पर अभी? यहाँ हुआ, दीवार गिर गई, उस पे वो सीमेंट हो रहा था। हाँ। और कच्ची दीवार थी, कच्ची मिट्टी की, सीमेंट हो रहा था उस पर, वो मारा फुहारा उसका समरसेबिल का। अच्छा, उससे जो ये जब पानी इसमें मरा, फिर दीवार गिर गई। मजबूत थे इसमें दो तीन, एक तो मर गया मौके पे ही, एक के हाथ पैर टूट गए। कब से चल रहा था ये काम? ये काम चल रहा था 10-15 दिन। किस टाइम हुआ है हादसा? ये हुआ कोई, ये हुआ 10 बजे 10-11 बजे। कितने लोग मरे हैं इसमें? एक मरा। कोई घायल भी हुआ है? घायल। कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पर? काम तो 4-5 आदमी कर रहे थे। 5 आदमी? तो दीवार क्या कमी थी? दिन से चल रहा है किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने लगाई झाड़ू। पुलिस बैरिकेटिंग के पास की गई सफाई। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के चौकी शालीमार गार्डन में चोरों ने लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 में न्यू बॉम्बे ज्वेलर में ऑल्टो कार से आए चोरों ने बेकवॉफ गैस कटर से शटर काट कर 15 किलो चांदी चोरी कर ले गए। गाजियाबाद मसूरी हत्या की घटना में वांछित चल रहे 5000 के शातिर अभियुक्त को थाना मसूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त पर दर्ज है हत्या के प्रयास व अन्य संगीन धाराओं के 17 मुकदमे। उत्तराखंड आपदा के दौरान तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना में पिलर पर खड़े लोग बचने की कोशिश करते हुए। कासगंज में पुलिस कांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। मुख्य आरोपी मोती धीमर घटना को अंजाम देकर अभी भी फरार। मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई मरने वाले की शिनाख्त। यूपी के जिला बुलंदशहर में भाजपा नेता गांव से भगाए जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं यहां आए 3 महीने से उनकी सुध नहीं ली, जो धरने पर है। बीजेपी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।